हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का हम आपको पेपर सोल्व करवाएंगे। देखिए 2018 में 28 अप्रैल को ये पेपर हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, जिसमें SEI 1 3 पोस्ट एंड 3 अदर इक्विवेलेंट पोस्ट यहाँ पर थी। तो इसका ये पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का था, ये 3 बजे से आपका स्टार्ट था। इसमें हम गाइस साइंस को आज कवर करेंगे, साइंस को आज कवर करेंगे। आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी कि हम आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है साइंस के सभी सब्जेक्ट के वो कवर करवा दें, तो स्पेशली ये पटवारी के लिए स्पेशल है, पटवारी के लिए है ना। इसके अलावा आपके आबकारी, आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP कांस्टेबल, इन सभी में जिस एग्जाम में भी साइंस आता है उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। तो सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, व्हाट हैपेंड इन अ फिलामेंट लैंप, है ना। तो एक तंतु लैंप, फिलामेंट लैंप में क्या होता है, एक तंतु लैंप यानी फिलामेंट जो लैंप होता है इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। आपका जो पेपर आता है ये बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज होती है इनमें आपका पेपर होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ये रहेगा गाइस, विद्युत ऊर्जा प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक तंतु जो होता है लैंप होता है, फिलामेंट लैंप होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश और उष्मा में परिवर्तित होती है। तो याद रखिएगा हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, है ना। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण के विलयन में गिरा दिया जाता है तो किस रंग में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। तो देखिए जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्यतः लवण में जब भी विलय में मिलाया जाता है ना, लवण के विलय में, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस तरह का होता है ये आपसे पूछा गया है। तो गाइस उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज एट ऑल, आपका बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है, है ना। स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है ये आपसे पूछा है, इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इसमें से चंद्रमा जो है ये स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है, बाकी बिजली का बल्ब स्वतः दीप्त है यानी सेल्फ लुमिनियस है, ना। इसके अलावा सूर्य होता है, तारा भी होता है, बाकी चंद्रमा जो होता है ये स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है, है ना। निम्न में से कौन आयोडीन विलयन के साथ यानी नमक के जो विलयन होता है, यहाँ पर दे रखा है सॉल्ट, है ना। देखिए ये यहाँ पर दे रखा है ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन। इसको जो सही जवाब रहेगा, आयोडीन जो होता है आयोडीन विलयन के साथ में नीला काला जो रंग देता है ये क्या देता है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये क्या रहेगा, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये 4 इन चीजों हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए उबलता हुआ चावल, सूरजमुखी का तेल, शर्करा विलयन या सफेद अंडे की सफेदी। तो आयोडीन विलयन के साथ नीला काला जो रंग देता है ये देता है यहाँ पर कौन सा, उबला हुआ चावल। उबला हुआ चावल आयोडीन विलयन के साथ में नीला काला रंग देता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर हमको कौन सा लगाना है फिर, तो हमको लगाना है ओनली वन यानी सेकंड आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है ना। पोलर बियर के बारे में कौन सा कथन गलत है यहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर स्लीपरी बॉडी हमारा चिकना शरीर सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से जो आपका पोलर बियर के बारे में गलत कथन है ये चिकना शरीर है, बाकी ये जो सही कथन इसके बारे में जो है सही जो जानकारी, ये नुकीले घुमावदार पंजे, सफेद फर और त्वचा के नीचे वसा की परत, ये जो है पोलर बियर के बारे में सही है। बाकी ये जो है चिकना शरीर ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट फॉर द पोलर बियर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। देखिए सबसे अधिक जल धारण जो क्षमता होती है ये किस मिट्टी में होती है। तो ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी, देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, फॉरेस्ट ऑयल इसको बोला जाता है, सोयल इसको बोला जाता है, फॉरेस्ट सोयल, है ना। वन मिट्टी ये होती है, आप सभी को बताइए। और फॉरेस्ट जो सोयल है या मिट्टी जो होती है इसमें सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, इसका उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकोट बनाने के लिए किया जाता है। टेरिकोट बनाने के लिए निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका टेरिलिन, टेरिलिन एवं कपास का। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टेरिकोट बनाने के लिए टेरिलिन एवं कपास का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अवशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। तो खोलदार अंडे देने वाले जो पशु होते हैं वो जो अपने रूप में इस रूप में अपने अवशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं, तो वो अवशिष्ट का जो उत्सर्जन करते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। इसके रूप में यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल के रूप में वो अपने अवशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि वहां राज्य जो चक्रवात से सुभेद्य है, यानी आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहेगा। वहां राज्य जो चक्रवात से सुभेद्य है और इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका राजस्थान राज्य। राजस्थान यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला या 3 वाला जो राज्य राजस्थान है ये चक्रवात से सुभेद्य नहीं है। नहीं हमसे पूछा है और नहीं हमको लगाना है, सुभेद्य नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये सभी चक्रवात से सुभेद्य है। सुभेद्य कौन सा नहीं है, ये राजस्थान था। तो हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा एक स्नेपर के साथ अवशिष्ट जलोपचार से हटाए गए स्थित ठोस को रिक्त स्थान कहा जाता है। एक स्नेपर स्क्रैम्पर के साथ अवशिष्ट जलोपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को क्या कहा जाता है। अब इसमें जो जलोपचार जो हटाया जाता है अवशिष्ट जलोपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को, इसको अपंग बोला जाता है। अपंग इसको स्लज आप बोल सकते हैं, स्लज यानी अपंग इसको बोला जाता है। तो यहाँ से भी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा टेडपोल में अधूरे विकास का कारण का अपर्याप्त। देखिए टेडपोल में अधूरे विकास का कारण रिक्त स्थान का अपर्याप्त उत्पादन होता है। तो इसमें किस चीज का अपर्याप्त उत्पादन होता है ये आपको लगाना है। तो देखिए इसमें जो अपर्याप्त उत्पादन होता है वो होता है थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन जो होता है इसका अपर्याप्त उत्पादन होता है। तो देखिए टेडपोल में अधूरे विकास का जो कारण है ये थायरोक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। कोशिका का वह भाग जो कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित या कंट्रोल करता है उसको क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा काफी इजी क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका जो झिल्ली होती है ये कोशिका का वह भाग है जो कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता जो होती है इसको नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु रिक्त स्थान होते हैं। फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो जीवाणु होते हैं इनको क्या बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार पूछा जाता है और ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके पूछ लेगा पर ये क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये राइजोबियम रहेगा। राइजोबियम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राइजोबियम जो होता है जीवाणु ये फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो याद रखिएगा इसको, ये राइजोबियम होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत केतली का हत्था निम्न से निर्मित होता है। एक विद्युत केतली का जो हत्था होता है ये किससे बना होता है ये आपसे पूछा है। तो यह एक विद्युत रोधक होता है। विद्युत रोधक होता है एन इंसुलेटर ये होता है। तो याद रखिएगा एक विद्युत केतली का जो हत्था है निम्न से निर्मित होता है। तो यह एक विद्युत रोधक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तापमान की इकाई क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है और तापमान की जो इकाई होती है आपको पता ही है सभी को। टेम्परेचर किसमें मापा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में इसको मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण यानी कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। कार्बोनाइजेशन है ना। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक पशु कौन सा है ये आपको बताना है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक पशु कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बाइसन। ये है बाइसन, आप सभी ने आई थिंक नाम सुना होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यहाँ ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु रिक्त स्थान है। विद्युतदर्शी का इस्तेमाल क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु क्या है ना। यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु क्या है। कार्बनिक, स्थिर विद्युत चुंबकीय और आवेशित। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चार्ज यानी वस्तु जो है चार्ज है यानी आवेशित है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वस्तु आवेशित है ये ज्ञात करने के लिए विद्युतदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इवनिंग स्टार का नाम या इवनिंग स्टार नाम रिक्त स्थान को दिया गया। इवनिंग स्टार जो नाम दिया गया ये किस ग्रह को दिया गया या किसको दिया गया ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार जो नाम दिया गया है ये प्लानिट वेनस को दिया गया है, वेनस को। यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? टाइम पीरियड आपको बताना है, इसका टाइम पीरियड क्या है। ये 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, वाइब्रेटिंग हो रही है, तो आपको बताना है किसकी अवधि, समय अवधि क्या है। इसकी जो समय अवधि रहेगी वो 0.04 रहेगी। क्या रहेगी? 0.04। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पटवारी में इस बार पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें सभी का साइंस का सिलेबस एक ही रहता है, साइंस का पैटर्न एक ही रहता है। आबकारी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की या जेल प्रभारी, फॉरेस्ट गार्ड, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की जिसमें साइंस आता है, सभी में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कांस्टेबल में भी इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसमें कोई आपको ये नहीं करना है कि ये ओनली पटवारी के लिए, सभी के लिए जरूरी होंगे। अगला क्वेश्चन है, घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में रिक्त स्थान होती है ना। घंटियां जो होती है धातुओं की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में नरम होती है, आघातवर्धिनी होती है, या ध्वनिक होती है या तन्य होती है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ध्वनिक होती है। ये घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में ध्वनिक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, ट्रक की चाल आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है आपको लगे कि ये मैथ्स रीजनिंग का हो सकता है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन जो है साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके ट्रक की आपको चाल बताना है। तो इसकी जो चाल रहेगी वो आप सभी को बताइए किस तरह से निकाली जाती है ना। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा रहेगा यहाँ से 10। देखिए यहाँ पर ट्रक की चाल हमको बताना है, मिनट यहाँ पर दे रखे 80 मिनट और हमको किलोमीटर दे रखा 48 किलोमीटर की यात्रा करता है किससे 80 मिनट में। तो 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, किसनी है 10 मीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस सही अनुक्रम चुने, है ना, उस सही अनुक्रम चुने जिसमें एक भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त की जाता हो। यानी भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त करने का एक सही अनुक्रम आपको चुनना है, इसमें से कौन सा है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्रम बनाना, यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह से क्रम को, यहाँ पर जब भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त किया जाता है तो किस तरह की जो है चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग से आखिरी तक की जाती है, किस तरह से यह प्राप्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा ये आएगा ऊन कर्तन। क्या आएगा? ऊन कर्तन आएगा सबसे पहले। उसके बाद में आएगा निर्घर्षण, निर्घर्षण यहाँ पर आएगा निर्घर्षण, है ना। फिर छटाई आएगा, फिर वर का चयन, फिर रंगाई आएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर ऊन कर्तन, निर्घर्षण, छटाई, वर का चयन और रंगाई, ये जो है ये एक भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त किए जाने का एक सही क्रम है जो कि हमने चुन लिया है। यहाँ पर 3rd ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवी श्वसन इसका उत्पादन करता है। तो हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवी श्वसन किसका उत्पादन करता है ये आपको बताना है। तो ये जो करता है ये लैक्टिक अम्ल का करता है। किसका? लैक्टिक अम्ल का करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केवल लैक्टिक अम्ल, है ना। तो यहाँ से 3rd ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। केवल लैक्टिक अम्ल का ये जो है ये उत्पादन होता है हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में, है ना। मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवी श्वसन केवल लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यह रहेगा यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर हमने टॉप 25 जो क्वेश्चन है वो लगा लिए हैं आपके, और हम डेली ही ऐसे आपके सेट कवर करवाते रहेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि साइंस कैसा आता है। और अगर आपकी डिमांड रहती है तो हम हिंदी को भी करवा देंगे कवर, क्योंकि पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में किस तरह की हिंदी आती है आपकी, तो पटवारी में आएंगी वो। इसके अलावा आप मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश और इन सभी सब्जेक्ट, कंप्यूटर वगैरह, इन सब की वीडियो हम आपको दे देंगे। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। हमने जीके वाला वीडियो दे दिया है आपको, इसी वाले में जीके वाला वीडियो हमने दे दिया है आपको। अगर नहीं देखा है उसको जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस नहीं गाइज, मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।